नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कालकोटेक हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हमारे पास है वीवो V19 एंड सैमसंग गलेक्सी A51 दोनों स्मार्टफोन्स का फ्रेंड्स। आज हम डिटेल में कंपैरिजन करेंगे, इनका स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा कंपैरिजन करेंगे और आपको दोनों स्मार्टफोन्स के स्पेक्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, दोनों स्मार्टफोन्स की हम लुक एंड डिजाइन की बात कर लेते हैं। वीवो V19 में आपको बैक में ग्लास बॉडी देखने को मिल जाती है एंड सैमसंग गलेक्सी A51 में आपको बैक में पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको बैक में क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम सेटअप हमें मिलता है, हमारा 3.5 mm का हेडफोन जैक, माइक, स्पीकर ग्रिल एंड चार्जिंग पोर्ट। टॉप साइड में हमें दोनों स्मार्टफोन्स में सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाता है। राइट साइड में हमें पावर बटन एंड वॉल्यूम ब्रोकर्स, लेफ्ट साइड में हमें दोनों स्मार्टफोन्स में सिम ट्री देखने को मिल जाती है। वीवो V19 में आपको मेन कैमरा 48 MP का मिलता है, फिर आता हमारा 8 MP का सुपर वाइड कैमरा, 2 MP का हमें सुपर मैक्रो मिल जाता है एंड 2 MP का हमें बोके इफेक्ट वाला कैमरा मिल जाता है। ऐसे ही सैमसंग गलेक्सी A51 में हमें मेन कैमरा 48 MP का देखने को मिल जाता है, फिर आता हमारा 2 MP का सुपर वाइड एंगल कैमरा, 5 MP का हमारा सुपर मैक्रो एंड 5 MP का हमें डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड की अगर हम बात करें तो गलेक्सी A51 में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिल जाता है एंड आपको वीवो V19 में फ्रंट साइड में डुअल कैमरा देखने को मिलेगा। वीवो V19 में आपको 32 MP का फ्रंट का मेन कैमरा एंड हमारा 8 MP का फ्रंट में अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है एंड सैमसंग गलेक्सी A51 में आपको 32 MP की फ्रंट सेल्फी देखने को मिल जाती है। वीवो V19 में आपको फ्रंट में 6.4 इंच की सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि हमारी 409 PPI की डिस्प्ले है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशो हमें देखने को मिल जाता है एंड सैमसंग गलेक्सी A51 में आपको 6.5 इंच की FHD+ सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 405 PPI की डिस्प्ले है, जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशो 20.9% हमें देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जिसकी अभी हम भी आपको स्पीड दिखा देते हैं। ये देखिए, अभी हम आपको फिर से अनलॉक करके दिखाते हैं दोनों स्मार्टफोन्स। आप देख सकते हैं V19 हमारा फिंगरप्रिंट में फास्ट है। हम आपको फिर से ट्राई करके दिखाते हैं, आप देख सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इनके सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो आपको दोनों स्मार्टफोन्स में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाता है। आपको V19 में फ्रंट टच OS 10 देखने को मिल जाता है एंड आपको सैमसंग गलेक्सी A51 में सैमसंग वन UI 2.0 देखने को मिल जाता है। ये देखिए, अभी हम दोनों स्मार्टफोन्स की रैम रोम की बात कर लेते हैं। वीवो V19 में आपको 8 GB रैम एंड 128 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है एंड आपको सैमसंग गलेक्सी A51 में 6 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। वीवो V19 में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर मिल जाता है एंड आपको सैमसंग गलेक्सी A51 में एक्जीनोस 9611 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। दोनों ही प्रोसेसर हमारे 10 nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अभी हम वेट की बात करें तो आपको गलेक्सी A51 में 172 ग्राम का वेट देखने को मिल जाता है, जो कि हमें काफ़ी हल्का लग रहा है, ये देखिए। एंड आपको वीवो V19 में 186.5 ग्राम का वेट देखने को मिल जाता है। अगर हम थिकनेस की बात करें, आपको गलेक्सी A51 में 7.9 mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है एंड आपको वीवो V19 में 8.5 mm की थिकनेस देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इनके बैटरी की बात करते हैं। तो आपको गलेक्सी A51 में 4000 mAh की बैटरी मिलती है एंड आपको V19 में 4500 mAh की बैटरी मिलती है 33 W के फास्ट चार्जिंग अडेप्टर के साथ। अगर हम चार्जिंग की बात करें तो गलेक्सी A51 में आपको 15 W का चार्जर मिलता है, जो कि आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए काफ़ी ही स्लो चार्जर है। हमारा A51 लगभग चार्ज होने में 2 घंटे लेगा। हमने वीवो V19 का चार्जिंग से फिर टेस्ट किया था, जो कि हमारा 1 hour 10 minutes में कम्प्लीट चार्ज हो चुका था हमारा स्मार्टफोन। अभी हम आपको दोनों स्मार्टफोन्स का प्राइस बता देते हैं। सैमसंग गलेक्सी A51 का हमें प्राइस 25,000 देखने को मिल जाता है एंड वीवो V19 का प्राइस हमें एक्सपेक्टेड प्राइस 30,000 देखने को मिलेगा।
इसकी लॉन्चिंग फ्रेंड्स कंपनी ने कैंसिल कर दी थी कोविड-19 वायरस के कारण। अभी हमें वीवो V19 स्मार्टफोन अप्रैल मिड या अप्रैल लास्ट में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स अभी हम आपको कुछ कैमरा सैंपल्स दिखाते हैं। ये हमने स्काई की फ़ोटो कैप्चर की, आप देख सकते हैं गैलेक्सी A51 की फ़ोटो, एंड ये हमारी वीवो V19 की फ़ोटो है। हमें फ्रेंड्स ओरिजिनल कलर सैमसंग गैलेक्सी A51 में देखने को मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो उस टाइम पे हमें काफ़ी अच्छे फीचर्स दोनों स्मार्टफोन्स में देखने को मिली, लेकिन गैलेक्सी A51 में आपको कलर क्वालिटी काफ़ी ही अच्छी देखने को मिल जाती है। अभी हम आपको अल्ट्रा वाइड शॉट दिखाते हैं दोनों स्मार्टफोन से लिए हुए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारे अल्ट्रा वाइड शॉट्स हैं। अभी हम आपको V19 में फ़ोटो दिखाते हैं, ये देखिए यही सेम फोटो हम आपको गैलेक्सी A51 में दिखाते हैं। गैलेक्सी A51 में हमें एरिया काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, आप देखिए देखिए जो इस घर के साइड वाला एरिया है हमें गैलेक्सी A51 में देखने को मिल रहा है, हमें V19 में ये देखने को नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स अभी हम दोनों स्मार्टफोन्स का आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाते हैं, ये देखिए अभी हम डायलर ओपन करेंगे तो देखते हैं फ्रेंड्स कौन से स्मार्टफोन में हमें डायलर पहले ओपन होता है। सेम मैसेज A51 में हमें पहले ओपन हुआ है। हम पहले YouTube ओपन करते हैं, अभी वीवो V19, गूगल सैमसंग गैलेक्सी A51, सेटिंग A51, एंड अभी हम कैमरा ओपन करते हैं गैलेक्सी A51। स्पीड काफ़ी फ्रेंड्स हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग मिलती है दोनों स्मार्टफोन्स की। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।